हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं भरवा परवल की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और साथ में जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6-7 बिल्कुल फ्रेश परवल लिया है। तो इसको हम पहले चाकू या किसी चम्मच की मदद से इसको छीन लेंगे। तो देखिए, मैंने परवल को अच्छी तरह से छीन लिया है। अब इसके दोनों साइड हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। तो इसी तरह से बाकी परवलों को भी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सारे परवलों को अच्छी तरह से छीन कर इसके दोनों साइड कट करके और इसको फ्रेश पानी से मैंने धो लिया है। अब हम परवल के बीच में कट करके परवल के अंदर जो सारे बीज है वो सारे हम निकाल लेंगे। तो आप इस तरह से कट करके परवल के अंदर जो भी बीज है वो किसी चम्मच या हाथों की मदद से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह बाकी परवल के बीज को भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे परवल के बीज मैंने निकाल लिया है। अब हम परवल के बीज को थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो परवल की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बारीक कटा हुआ 2 टमाटर, बारीक कटा हुआ 1 प्याज और ये परवल की बीज जो जिसे मैंने दरदरा पेस्ट कर लिया है, और ये 6-7 बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 अदरक का टुकड़ा और 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन गर्म होने के बाद 1 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल हमारे गर्म जब हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा और बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ में 1 तेज़पत्ता। और फिर हम इन सबको एक बार चला लेंगे और फिर इन सबको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज डालने के बाद इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम थोड़ी देर तक भून लेंगे ताकि जो प्याज है उसके कलर चेंज हो जाए। तो प्याज हमारी गोल्डन कलर की हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, परवल की बीजों का पेस्ट और साथ में स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर लेंगे। मसालों में मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। तो एक बार चलाकर मसालों को अच्छी तरह से सब्जी में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम पैन को कवर कर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इन्हें पकने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारे टमाटर और प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट होने के बाद पैन का ढक्कन हटा दें तो आप देख सकते हैं हमारी जो सब्जी है वो पूरी तरह से गल चुकी है। तो हमारी जो परवल की स्टफिंग है वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब हम परवल के अंदर सारे मसालों को भर लेंगे। तो भरने के लिए यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच। तो चम्मच की मदद से हम इस तरह से परवल के अंदर मसालों को डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने मसालों को अच्छी तरह से परवल के अंदर भर लिया है। तो चलिए मैं फिर से आपको एक और दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से हम सारे परवल के अंदर मसालों को डालकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने परवल के अंदर मसालों को डालकर मैंने तैयार कर लिया है। तो आप चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फिर से हम एक पैन लेंगे। पैन जब गर्म हो जाए तब यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम एक एक करके सारे परवल को पैन में डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और परवल की चारों साइडों को अलटते पलटते हम फ्राई कर लेंगे।
अब हम पैन को कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम में परवल को पकने के लिए रख देंगे ताकि जो परवल है वो हमारे सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से चारों साइड फ्राई भी हो जाए। 2 मिनट हो चुकी है, आप पैन का कवर हटा दें तो आप देख सकते हैं परवल हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। और फ्राई करने के समय अगर थोड़ा सा स्टफिंग निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, हमारी परवल की बरवा रेसिपी बनकर तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब